असलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका अपना हॉस्टल माफ दीजिए प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी यही कोशिश होती है कि उस पर्सनालिटी शख्सियत आपको मिलाया गया जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो, सोशल एक्टिविटी भी हो और आवाम के साथ उसका बड़ा अहम किरदार भी हो। तो आज अलहम्दुलिल्लाह शहदाद कोट की बरेली पर्सनालिटी जो अपनी कौम के सरदार भी हैं, एक बेहतरीन शख्स भी हैं जिसका पॉलिटिक्स में बड़ा अरसा गुजरा है, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार मीर मोहम्मद मिठल खान मुगेरी साहब, जो हमारे पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत है, उससे गुफ्तगू आपको करवाएंगे। चलते हैं सरदार की तरफ से। वेलकम टू माई प्रोग्राम। आज की शख्सियत में आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सरदार साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नाज़रीन, आपके चाहने वाले, आपके फॉलोअर्स, आपकी आवाम, शहदादपुर की आवाम और बाहर कंट्रीज में रहने वाले लोग यही सुनना चाहते हैं कि आपने अपना बचपन, क्योंकि हर शख्स की अपनी एक स्टोरी होती है, उसका अपना बचपन होता है, तो आपने अपना बचपन, अपनी एजुकेशन कहाँ मिली? कुछ अर्सा तो यही अपने गांव में ही गुजरी, फिर कुछ अर्सा मैंने कोटा ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की, कुछ अर्से तक फिर वापस आ गए अपने इलाके में अपना तालीम पूरी की। अच्छा साहब, आप बचपन में कैसे थे? मतलब एक सरदार दादा जिसे दुनिया का हर खुशी, हर सहूलत, हर इशू आ रहा मौजूद हो, तो वो नाज़रीन आपका बचपन सुनना चाहते हैं कि आप बचपन में कैसे थे। मीन्स शरारती थे, सेंसिटिव थे, गुस्से वाले थे, कैसे थे? मतलब नहीं, मेरी तबीयत तो गुस्से वाली है भी नहीं, बचपन में भी नहीं थी, तो काफ़ी एज हो गई है, तो मैं नॉर्मली रहता हूँ। अच्छा। मैं बचपन से ही लोगों से प्यार करता हूँ, जो भी लोग आते हैं मैं उनको इज्जत देता हूँ। बचपन से ही मेरी यही तबीयत थी, अब तक वही सही तबीयत है। अच्छा, ये चीज़ तो तय करते हैं कि आपको विरासत में मिली हो, सरदार मिला, ये आपकी जो पुश्त है वो किन नंबरों पर है, ये जो आपकी पुश्त चल रही है? वो ये कि जनाब हमारा इलाका है बलूचिस्तान, जलाल खान मुगलियों का हेडक्वार्टर। अब आपने जैसे सरदारी निजाम पर, हम सरदारी बाड़े से ताल्लुक रखते हैं, ठीक, वो बड़ा है हज, आपको दिया गया है, ठीक। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स में आने की क्या वजह थी? क्या ये अपना शौक था या आपने बड़ों के कहने पे पॉलिटिक्स में एंट्री ली? मेरा शौक था, मेरे वंद साहब और भुट्टो साहब के साथ जी जी पार्टी में, यहाँ से उठेंगे तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मेरे वाले साहब का भुट्टो साहब के साथ, फिर मेरे वाले साहब की डेथ हो गई, फिर हमें भी शौक हुआ। हाँ। फिर हमने पहले स्टार्टिंग जो सियासत की पीपल्स पार्टी से, अच्छा पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी जॉइन की, काफ़ी सिलसिला पीपल्स पार्टी के साथ ही चला पार्टी के साथ। अच्छा, आपने काफ़ी चैनल्स में आप पीपल्स पार्टी में रहे, मेरे ख्याल से आप नाजिम भी रहे, चेयरमैन भी रहे, तो हाँ चेयरमैन था उसी तरह चेयरमैन, तो आपने शहदादपुर की आवाम के लिए कौन कौन सी खिदमत की?
जब हम चेयरमैन थे कि थोड़े वसाइल कम थे फिर मैंने सोचा कि हम ये रोड फिर तो नहीं बना सकते, ट्रांसपोर्ट ट्रैक्टर वो मशीनरी नहीं थी सही, फिर मैंने ट्रैक्टर खरीदे और अपना डोजर खरीदे जी जी, फिर मैंने कोशिश करके एक नई फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ अरेंज की और ये फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग अभी आप मेरा ख्याल यहाँ से आए या जैसे इसकी भी हालत बहुत ख़राब थी, इसको भी आपने देखा होगा भी उसको भी नया करके बनाया, ये कुछ काम जो भी थे 14 आवाज थे 14 मैंने रक्षे खरीदे। अच्छा उसी टाइम ये बड़ा अच्छा अमल था ये चीज़ें लाना शहदादपुर के लिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ें थी। अच्छा अब शहदादपुर में वो तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे, क्या वजूहत है जो शहदादपुर एक ऐसा सिंध का जिला है जो बिजनेस के हिसाब से टॉप ऑफ दी पोजीशन में है, तो शहदादपुर के ये काम क्यों नहीं हो रहे, क्या वजूहत है? अभी मेरा ख्याल आप देखते होंगे कि बन रहे हैं, देखिए काफ़ी बन गए हैं, काफ़ी उनका काम चल रहा है, इन शाला आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा शहदादपुर। अश्विनी साहब शरण मिल रहा है शॉर्ट ब्रेक का, तो नाज़रीन हम वहीं से अपने सिलसिले को स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा था, चंद सेकंडों के लिए हमें दीजिए इजाज़त, साथ रहिएगा, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम आज की शख्सियत में ब्रिलियंट शख्सियत, एक बेहतरीन इंसान नुमा दोस्त, शहदादपुर की ग्रीन पर्सनालिटी आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ है, जिसने शहदादपुर की आवाम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, इन गरीब लोगों के बीच में रहकर उनके अच्छे अच्छे काम किए और कुछ ट्रेनियों में नाज़रीन भी रह चुके हैं जो शहदादपुर के लिए एक बेहतरीन नाज़िम थे। सिलसिला अपनी बातों का जारी है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। अच्छा जी साहब एक अहम बात, अच्छा आप क्या समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान की मैशियत कहाँ जा रही है और इस मैशियत के गिरने की वजह कौन है? वफा के सिलसिले में देखिए सिंध गवर्नमेंट का तो मसला नहीं है, अब बस यही दुआ करते हैं जो कुछ हुआ सो हुआ, अल्लाह करे कि ठीक हो जाए सारा सिस्टम, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो बेहतर होगा। अभी रिपीट करेंगे तो वो भी फायदा नहीं है, यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान सही है। यहाँ देखिए पानी का मसला, बिजली का मसला बिल्कुल है, बल्दियात का सारा सिस्टम बिल्कुल है, एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल है और महंगाई, ये 500 चीज़ें इस हालत में इस बीच सिस्टम में गरीब कैसे संभाल कर जाएगा? आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई करना, ये पानी का ना आना, ये एजुकेशन का छीन जाना, इस सारे सिस्टम का आखिरकार हु इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम? जनाब बात ये है, आपको याद होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, जनाब आसिफ अली सरदारी साहब ने क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि भाई नेर और मशीन करके नहीं चल सकते, वो रिजल्ट्स आपने देख लिए, वो भी हकीकत ही है। अब अल्लाह करे बस अभी दुआ ही करनी पड़ेगी, अल्लाह करे ये मुल्क ठीक हो जाए। क्या दुआ से गरीब का पेट भर सकता है? बिल्कुल, अल्लाह जब मदद करेगा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा तो सिस्टम आस्ते आस्ते सारा ठीक हो जाएगा। उसी अल्लाह ने तो दुनिया की हर चीज़ दे दी है, लेकिन काम हम इस जो नुमाइंदे हैं यहाँ के
जो हमारे पाकिस्तान के जिन पे विवाह पे ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो आप ये कहने का मकसद ये है कि इस सारी चीज़ का जो जिम्मेवार है वो वफाक है? नहीं, वफाक मैं वही कह रहा हूँ ना जी, देखे ना बात ये, अभी इस लड़ाइयों में पढ़ पढ़ के तो ये हाल होता है, ठीक है, उससे अभी बेहतर है इन चीज़ों से निकलना चाहिए। अब वफाक भी कोशिश कर रही है, आप खुद देख रहे हैं, मैंने तो कुछ टीवी में भी सुना, वो एफटीएम को भी है, वो भी कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में काफ़ी बिलावल साहब ने काम किया है, वो तकरीबन 36 पॉइंट्स पे पहुंच गया है, 27 उन्होंने डिमांड की थी, अल्लाह करेगा ये सर्वे सब ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की। अच्छा, आप वज़ीर आज़म इमरान खान के 3.5 साल के टेन्योर में आप कितना मुतफ़िक हैं उससे कि क्या वो 3.5 साल का टेन्योर बेहतर था? क्या बेहतर था वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारा सिस्टम तो गड़बड़ उन्होंने ही कर दिया ना। अब ये तो 2 महीने वाली गवर्नमेंट आई है, अब उनको भी तो टाइम लगेगा, 2 महीने में तो कोई एक आप 4 साल में सिस्टम को ख़राब करें, 2 महीने में तो ठीक नहीं होगा, टाइम तो लगेगा। अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने के बाद पीपल्स पार्टी का नाम तो आज से बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि वही पीपल्स पार्टी को चला रहे हैं, लोगों का कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी को यहाँ तक पहुँचने का पूरा जिम्मेवार आसिफ अंसारी साहब है। आप क्या समझते हैं कि आसिफ अंसारी साहब ने पीपल्स पार्टी को गिराया है कि अब किया है? देखें जी, जब मोहतरमा शहीद हुई थी तो आप लोगों को याद होगा तब जरदारी साहब ने नारा लगाया था पाकिस्तान ठप्पे, लेकिन उससे जाहिर है कि उसने पार्टी को ऊपर लाया और ये भी जरदार क्या बोले, ऊपर भी जो चीज़ें बाकी जरदारी साहब को पार्टी को ठीक ठाक चला रहे हैं। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए जो ये सारा खेल खेला गया, कहते हैं कि उसका मेन खिलाड़ी आसिफ जरदारी है, चैनल्स पे तो देख रहे हैं, आप समझते हैं कि ये जो सारा खेल चल रहा है ये आसिफ जरदारी साहब का है, जबकि इमरान खान का यही कहना है कि ये मैंने इनको खुद दी है और नेक्स्ट में इंशाअल्लाह ताला वजीर आज़म मैं ही बन जाऊँगा। तो वो तो इमरान खान का कहना है, जरा बुरा उससे सवाल करें वापस आता है या नहीं आता है। अच्छा, उससे ही सवाल करें। अच्छा, आसिफ जरदारी के साथ बाद में अब चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को सारी कमीशन कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बिलाल भुट्टो जरदारी साहब के आने से या काम करने से या अब जो वजारत लेने से आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क का कुछ अच्छा होगा? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बिलाल साहब मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा होगा, हमारे पार्टी के भी दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, और देखो जी पीपल्स पार्टी ने नौकरियाँ भी दी हैं, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल नौकरियाँ दी हैं। अब मैं अपना बताऊँ, 2013 में उस टाइम में पीपल्स पार्टी मैडम ने मुझे नौकरियाँ दी, हमने लोगों को नौकरियाँ दी, वो भी रोज़गार थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को रोज़गार देती ही देती। अच्छा, यहाँ शहदादपुर में 2 बड़े जमींदार रह गए हैं, सरदार खान चांडी साहब, मीना दर मंसूर साहब, आप इन दोनों को किस वे से देख रहे हैं कि इन दोनों की जो एक्टिविटीज़ है वो शहदादपुर के लिए बेहतर है या ना? हमारे पार्टी के दोनों MP है, मैं उनको बेहतर से, आप कितने मुतासर हैं? बरहाल मेरे पार्टी के हैं, लीडर हैं, मैं कोई फैसला नहीं। अच्छा नादरीन, शार्प ब्रेक का टाइम हो गया है, चंद सेकंडों के लिए अभी दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने करवा। हम अपने
सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, चलते हैं मीर साहब की तरफ से। अच्छा मीर साहब, आप एक शख्सियत है, एक होता है शख्स, एक होती है शख्सियत। शख्सियत का जो किरदार होता है वो एक बड़ा होता है, आलानुमा होता है। तो उस शख्सियत की एक्टिविटी इन गरीब आम के साथ कैसी होनी चाहिए? अच्छा सवाल है। देखिए देखिए, आप जितने भी पब्लिक के साथ जाएंगे, उनकी शादियाँ हैं, उनकी फोटो भी हैं, और जितना उनको आप करीब रखेंगे वो आपके करीब ही रहेंगे। उनको रिस्पेक्ट देना, उनको रिस्पेक्ट देना तो वो आपके करीब ही रहेंगे। और हमारा फर्ज भी है कि उनको रिस्पेक्ट भी दें, जो उनके काम हो, जो हमसे हो सकें जैसे कभी कभी सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि सरदार ऊपर कुर्सी पे बैठा है और पब्लिक नीचे बैठी है, जैसे कभी कभी ये अच्छा दूसरा ये भी होता है कि जो जजों का फैसला होता है, जजों के कभी कभी आ जाता है सोशल मीडिया पे या कभी चैनल पे आ जाता है कि ये सिस्टम ये हो गया, इसको जुर्माने में ये देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं, वो मैं खुल के बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपके सामने जब ऐसा फैसला आ जाता है तो आप क्या करते हैं? देखिए, यहाँ एक सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम जी, कोई कत्ल होता है उनका भी सिस्टम है, जब सुलह होता है तो जब कुछ जुर्माने होते हैं। सही है, तो ये तो सिस्टम एक सिस्टम के पहले चल रहा है। अच्छा, आप अपनी दिल की बात, अपने अंदर की बात, अपने जज्बा की बात किससे कर पाते? बस वो बैठते हैं, कभी अपने बच्चों के साथ ही अच्छा शेयर करते हैं। हर बंदे का एहसास होता है, हर बंदे का एहसास होता है, वो चाहता है कि मैं अपने दिल की बात, अपने अंदर की बात जो है वो दोस्त की सूरत में भी होता है, वो लाइफ पार्टनर की सूरत में होता है। तो आप किसे शेयर करते हैं? बरन अल्लाह खैर कर, मैं करता हूँ अपने बच्चों के साथ। जो भी चीज़ होती है हम बच्चे हम इकट्ठे बैठते हैं। अच्छा, आपके तजुर्बात हैं उम्र के हिसाब से, दुनिया में दोस्त ज्यादा होते हैं कि दुश्मन? अल्लाह करे दोस्त वो हो जो उल्टाओं के दुश्मन ना हो। अच्छा, दुश्मन तो दुश्मन ही है। हाँ, लेकिन दोस्त वो कन्वर्ट ना हो जाए दुश्मन। अच्छा अच्छा, एक इंग्लिश का मुहावरा है, लाइफ इज अ रिवेज, जिंदगी एक सहरा की मानंद है जहाँ आपको कोई भी अपना नहीं मिलता, जिंदगी का सफर खुद को तय करना पड़ता है, यहाँ आपको धूप की धूप मिलती है, सहरा ही सहरा होता है, खुद ही खुद को चलना होता है, कोई आपके ऊपर छांव रखने वाला नहीं होता। आपने अपनी जिंदगी का ये सारा पार किया है, इस सहरा में कोई आपको अपना मिला? देखिए जी, सफर जो इंसान का होता है बड़ा होता है, सिस्टम चलता है, नीच ऊंच भी आती है जी। पहला सवाल यही है कि अल्लाह सबकी मदद करे, उसकी साया सब दे। सही। अच्छा, जिंदगी का कोई ऐसा दुख जो आज तक आप भूल न पाए, ऐसा कोई गम, ऐसा कोई जख्म? मुझे गम दुख वो होता है जो लोग आके झूठ बोलते हैं। अच्छा, उससे मुझे बड़ा सदमा। अच्छा, आपकी पूरी लाइफ का कोई खुशगवार लम्हा, कोई खुशी की बात जो आप कह रहे हैं कि ये लम्हा मेरी जिंदगी का बेस्ट ऑफ बेस्ट लम्हा है? तो लम्हा वही सबसे अच्छा था जब इंसान की शादी हो। क्या करें, आपकी गुफ्तगू से इतना मजा आ रहा है, लेकिन वक्त के साथ बंधे होते हैं। अब हमारे प्रोग्राम का जो टाइम बचा है वो 2 मिनट बचा है, लास्ट में
आप अपनी तरफ से अपने चाहने वाले को, गरीब आवाम को, शादापुर की आवाम को, शादापुर से बाहर लोगों को, फॉरेन में रहने वाले लोगों को अपनी तरफ से मैसेज डिलीवर करें? मेरे सब भाइयों को पाकिस्तान के बारे में यही है कि आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें तो पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हम सियासत भी कर सकते हैं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो, पाकिस्तान इस दौरान से निकले। मेरे पैगाम से नाज़रीन, आज की शख्सियत एक बेहतरीन शख्सियत, ब्रेलियन मैन, अच्छी तबीयत के मालिक, हंसमुख इंसान, सरदार मीर मोहम्मद मिठल खान मुगेरी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे, जिसकी गुफ्तगू, जिसकी बातें, जो आप सुनना चाहते थे, उसका लाइफ स्टाइल, उसका पॉलिटिक्स में खिदमत, उसके बचपन, उसकी एजुकेशन, उसका फ्यूचर, या जो मैसेज डिलीवर हुआ, क्या आप सारे मिलकर पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि हमारे पाकिस्तान का गुमा और तकलीफ का साया हट जाए? ये वो मैसेज है जो हर कोई बंदा नहीं दे सकता। बेस्ट ऑफ बेस्ट मैसेज दिया सरदार मीर मोहम्मद मिठल खान मुगेरी आज के इस प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में सरदार साहब को और अपने होस्ट इमाम जिंदगी को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही बाकी तो होंगे मर गए गुफ्तगु, गुजर गए इसरा सलाम आखिरी। अल्लाह रबान पाकिस्तान।